नमस्कार, दिल्ली दंगल में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि क्यों शाहीन बाग का मुद्दा दिल्ली में सारे मुद्दों पर छाया हुआ है, क्यों कोई भी पार्टी कामकाज के मुद्दे पर वोट मांगती नजर नहीं आ रही है, शाहीन बाग क्यों हर नेताओं के जुबान पर है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बीजेपी से हैं टॉम वडक्कन और आम आदमी पार्टी से हैं डॉक्टर युवराज भारद्वाज। टॉम वडक्कन जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी शुरू से ही शाहीन बाग को मुद्दा बनाने पर तुली हुई थी, जबकि आपके केंद्र में आपकी सरकार ने दिल्ली से जुड़े भी बहुत अच्छे काम किए, कच्ची बस्तियों में कॉलोनियों का रजिस्ट्रेशन हो या फिर मतलब जो बीजेपी के घोषणा पत्र में थे आर्टिकल 370 या चलिए राम मंदिर पर आपका नहीं है, जो बहुत साल से लंबित मुद्दे थे उनको भी बीजेपी ने सुलझाया, पर चुनाव दिल्ली में आप शाहीन बाग पर लड़ते दिख रहे हैं। देखिए, सच्चाई क्या है, दिल्ली वाले जानते ही हैं कि शाहीन बाग हमारा क्रिएशन तो नहीं है। किसने बिठाया उनको, कौन खर्चा पाल रहे हैं, 120 करोड़ रुपया पीएफआई को आया है, कहाँ गया ये पैसे, पीएफआई के एजेंट्स कौन कौन है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमने तो नहीं बिठाया उनको, महिलाओं को, एक छोटी बच्ची जिसका इलाज नहीं किया गया, वो वहाँ उस ठंड में देहांत हुआ और इन हालातों में, और महिलाओं को सामने रखा, बच्चों को सामने रखा, ना पुलिस कुछ एक्ट कर सकते हैं क्योंकि महिलाओं पर कुछ एक्शन ले तो वो भी एक मुसीबत। तो एक्शन पुलिस कर नहीं सकता, निगोसिएशन कर नहीं सकते, इनसे पैरेलल बात करने कोशिश करते हैं लेकिन होता क्या है, ये लोग सुनने तैयार नहीं है। सीए है क्या, सीए कई लोगों को सिटीजनशिप दे रहे हैं, ले किसी से नहीं रहे। चिल्ला चिल्ला कर हमने पार्लियामेंट में बाहर भी ये बात कहा लेकिन नहीं कोई सुनने वाला। लेकिन आपके सरकार, मतलब दिल्ली में कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के पास है, आप केंद्र में आपकी सरकार है, लेकिन कहीं ऐसा दिखा नहीं गंभीर प्रयास आपकी सरकार के तरफ से भी जिसकी शाहीन बाग का गतिरोध तोड़ मतलब खत्म करने के लिए आप लोगों ने भी कोई गंभीर प्रयास करते दिखे नहीं। लॉ मिनिस्टर कह रहा है कि भाई हम बात करने तैयार हैं, पैरेलल डिस्कशन चल रहे हैं, हम तो फ्लैश कैमरा के सामने तो डिस्कशंस करेंगे नहीं, बात है बैकरूम ऑपरेशंस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन ये उठने तैयार ही नहीं। महिलाओं को आगे रखा है 40 दिन से 53वां दिन है आज। कौन कहां कौन, देखिए हम लोग ना एक एक करके बात करेंगे, फंडिंग आपको भी मौका मिले, कोई भी एजिटेशन फंडिंग के बिना नहीं हो, सच्चाई तो ये है। अब ये फंडिंग कौन कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट अगर एक्ट करें, बोलेंगे कि भाई देखिए कुछ मुसलमान बैठे हैं उन पर एक्ट किया, उन पर हमला किया, कुछ कर नहीं सकते। देखिए अभी आप हैंडीकैप्ड बैठे थे, फिजिकली हैंडीकैप्ड मंडी हाउस पर, बात किया, प्रयास किया, बाकी उनको अल्टीमेटली पुलिस एक्शन से हटाना पड़ा। यहाँ तो एक ऐसा सेंसिटिव इश्यू खड़ा कर रखा है जब कोई है नहीं सीए के इश्यू पर, और वहाँ जामिया का इश्यू को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, और कौन है ये पीछे, रात को जो पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व है उनके मीटिंग, उनका फंडिंग ऑपरेशंस पूरा चल रहा है, क्या कर सकता है बीजेपी इस हालात में। युवराज जी, बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोग शाहीन बाग को फंडिंग कर रहे हैं, आप वहाँ कम्बल पहुंचा रहे हैं, आप वहाँ भोजन पहुंचा रहे हैं, आप वो कह रहे हैं कि इस प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं ये संयोग नहीं, मतलब खतरनाक राजनीतिक प्रयोग है। दिल्ली की जनता मन बना चुकी है, 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी की आ रही है, जो काम करेगा उसको जनता चुनेगी, दिल्ली की जनता भी जागरूक है, आप हम सब जागरूक हैं। जहां तक बात है शाहीन बाग की, केंद्र की सरकार इसका जवाब दे। अगर केंद्र में इतनी स्ट्रॉन्ग सरकार है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री पूरे विदेशों में छाए हुए हैं, देश में शाहीन बाग के मुद्दे को क्यों हल नहीं कर रहे। फंडिंग कोई कर रहा है तो उसे पकड़ें, जो जैसे कर रहा है वैसे करें। होम मिनिस्टर हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, हर चीज़ पर बोलते हैं, हम भी चाहते हैं देश में कोई भी चीज़ जो किसी अर्थव्यवस्था को, किसी सामान्य नागरिक को नुकसान दे रही है, वो कोई भी समस्या हो, शाहीन बाग नहीं कोई भी हो, उसका सॉल्व करे। सरकार को किस लिए दे रखा, हम तो कह रहे हैं पूर्ण राज्य दे दीजिए, अभी मैनिफेस्टो में डाला है पूर्ण राज्य के लिए काम करेंगे। सरकार तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोबारा बनाने जा रहे हैं, और अगर इनसे पुलिस नहीं संभल रही है तो अगली बार दे देंगे मोदी जी, वेलकम करते हैं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं होने देंगे। काम की बात कीजिए, जहां तक बात है कि हमने कच्ची कॉलोनियों को अधिकृत कर दिया, कहां थे पिछले 5 साल की सरकार थी, करना चाहिए था। आप 20-20, 10-10 सर्टिफिकेट बांट कर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, जैसे कांग्रेस बनाती आई थी। आप इन बातों को छोड़कर दिल्ली के स्वास्थ्य, दिल्ली की सड़क, दिल्ली के बिजली, दिल्ली के पानी, दिल्ली का स्कूल और दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक,
दिल्ली की जनता के लिए काम कीजिए। आपको पूरा भारतवर्ष के सभी मुख्यमंत्री, इवन दैट गृह मंत्री, सभी एमपी घर घर में जाके दिल्ली की जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। ऐसा क्यों? नोटबंदी पे वोट मांगी आप, आपने नोटबंदी भी की थी, मांग के तो देखिए, व्यापारियों से वोट मांगिए आपने, जो जितनी टैक्स नीति लागू की है। अगर ऐसा ऐसा क्या बीजेपी को दिल्ली की जनता वोट देगी? आप, हम सब दिल्ली के वासी हैं, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए इस बात को। सिर्फ जब चुनाव आता है धर्म की राजनीति करना किसी भी पार्टी के लिए ठीक नहीं। नहीं नहीं, लेकिन ये तो धर्म की राजनीति पर सिर्फ बीजेपी पर ही क्यों आरोप लग रहे हैं? आप भी, आपके उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हम शाहीन बाग के साथ हैं, आप मतलब कहीं ना कहीं तो आप भी संकेत दे रहे हैं ना कि हम किसके साथ खड़े हैं। नहीं, हमने जो संकेत दिया, हम दिल्ली की जनता के साथ हैं, शाहीन बाग की जनता भी दिल्ली की है, आप भी दिल्ली के हैं, मैं भी दिल्ली का हूं, और दिल्ली की जनता के साथ दिल्ली की सरकार है, उनके लिए काम कर रही है, उनके लिए काम करेगी। जहां तक बात है किसी भी मुद्दे को, किसी भी राजनीतिक समय के समय किसी को उठाना करना, क्या गृह मंत्री या क्या पुलिस, आप खुद बता दीजिए, क्या पुलिस, क्या डीसीपी, कमिश्नर ऑफ दिल्ली, गृह मंत्री इस मुद्दे को अगर इतनी ही समस्या है तो क्यों नहीं हल कर रहे? नहीं, लेकिन, क्या कारण, लेकिन, क्या राजनीतिक नहीं, 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 लेकिन आप, बीजेपी बताएगी ना? नहीं नहीं, लेकिन आपके आप ही के नेता संजय सिंह है, हम वो कहते हैं कि अगर केजरीवाल जेएनयू में जाएंगे तो बीजेपी राजनीतिक फायदा ले लेगी, केजरीवाल शाहीन बाग में जाएंगे तो केजरीवाल शाहीन बाग में जाएंगे तो बीजेपी राजनीतिक फायदा ले लेगी। जब आप ये कहते हैं कि दिल्ली की पूरी जनता के हम साथ हैं, तो केजरीवाल जी के जाने से शाहीन बाग हो जाते तो चले जाते, जाने से तो अमित शाह जी से होगा, वो क्यों नहीं जा रहे? नहीं नहीं, आप भी मुझे लग रहा है कि वहां का गतिरोध आप दोनों को सूट कर रहा है, एक पोलराइजेशन उनको फायदा कर रहा है, दूसरा एंटी पोलराइजेशन आपको फायदा कर रहा है। 11 तारीख को 5 बजे यहीं पे लड्डुओं के साथ मैं आपके पास आ जाऊंगा, पता लग जाएगा किसको फायदा कर रहा है, कौन जनता का फायदा कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं। मेन बात यह है कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वो इस बात को समझती है कि कौन यहाँ पे काम कर रहा है और किसके काम पे विश्वास करना चाहिए, नहीं, किसकी बात पे विश्वास करना चाहिए। युवराज, जब आप कह रहे हैं कि हम दिल्ली की जनता के साथ खड़े हैं, तो जो लाखों लोग उस सड़क से रोज ट्रेवल करते हैं वो भी दिल्ली की जनता है, वहां जो हजारों कारोबारियों का व्यापार ठप है वो भी दिल्ली की जनता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में, दिल्ली का ट्रैफिक मैनेजमेंट किसके हाथ में? हम तो कह ही रहे हैं आप पूर्ण राज्य दीजिए, पुलिस दीजिए, ऐसी कोई समस्या नहीं, हम तो डिमांड कर रहे हैं, पहले भी डिमांड कर रहे थे और अब सरकार आएगी तब भी डिमांड करेंगे। आप इस बात को भली भांति जानते हैं, अगर इतने पावरफुल सरकार बैठी है, माननीय श्री मोदी जी बैठे हैं, हमारे सर्वमान्य प्रधानमंत्री जी, अटल क्या नाम है आपका, अमित शाह जी बैठे हैं, ऐसा क्या दिक्कत आ रही है कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए, हम दिल्ली की जनता है, दिल्ली के वोटर हैं, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों ये पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया? आप पहले समस्या क्रिएट करते हैं तो फिर आप जैसे फायर ब्रिगेड को लेकर जाते हैं, पहले आग लगाते हैं, आग लगाने के बाद आप फायर ब्रिगेड बनकर वह आग बुझाने जाते हैं। देखिए, आप यही मुख्यमंत्री है जो रेल भवन के बाहर बैठा था, याद है, धरने पे रिपब्लिक डे होने नहीं देंगे, ये वही है। और पैटर्न देखिए, एक सेकेंड में कंप्लीट, पैटर्न देखिए, शाहीन बाग और उसके बीच में एक पैटर्न है। खुद ने कहा था कि मैं एनार्किस्ट हूं, हम नहीं बोल रहे, ना भारतीय जनता पार्टी बोल रहे, खुद बोले थे, और वही एनार्किस्ट टेंडेंसी आप शाहीन बाग में देख रहे हैं। आग लगाते हैं ये पहले, फिर आग बुझाने जाते हैं और हमें बताते हैं। नहीं नहीं, लेकिन टॉम बटकन जी, सवाल तो उठता है ना कि दिल्ली की कानून व्यवस्था आपके पास है जी, अगर उन्होंने समस्या क्रिएट कर दिया, हम दो मिनट के लिए मान लेते हैं कि सारी समस्या की जड़ दिल्ली में आप है, दो मिनट के लिए मान लेते हैं, जवाब देता हूं, तो आप क्यों नहीं समाधान करते हैं? आपको सातों की सातों सीट यहां की जनता ने जिताई है। सुनिए, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर में पहला इन्होंने एक शील्ड बना रखा है महिलाओं का, बच्चों का, बुजुर्ग के, और एक बच्ची का मौत भी हुआ है, एम्बुलेंस जाने नहीं दे रहे। अगर पुलिस एक्टिवेट होता और एक्शन लेता तो कल ये होता कि महिलाओं पर हमने आक्रमण किया। देखिए, आप पुलिस का सेंसिटिविटी समझिए, इसका मतलब महिलाएं सेवन रोज कोर्स जाएंगी, इकट्ठा हो गए तो क्या मोदी जी को आप सोच रहे हैं कि उधर ले जाएंगे रेस कोर्स रोड पर महिलाओं को जिम्मेवारी से पीछे घूम रहे हैं, आप अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रहे हैं, लेकिन आपके होम मिनिस्टर पुलिस जिम्मेवारी से पीछे, जो काम आप कीजिए, जो काम हम कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं,
युवराज दिल्ली में जेएनयू में वहाँ पर सरकार का किसी तंत्र ने कुछ नहीं किया, वो दो छात्रों के दो गुटों का झगड़ा था। आपकी सिक्योरिटी मेरी सिक्योरिटी भी सरकार के अंदर आती है, वो ठीक बात है। जो पढ़ रहे आज से पहले क्यों नहीं हुआ? सब स्टूडेंट की सिक्योरिटी आती है। ऐसा क्या कारण है कि एक ऐसी सरकार आती है जो चुनाव के समय ऐसे मुद्दे उठाती है और बात खत्म कर देती है? ऐसा क्या कारण है? कारण तो सोचें आप, हम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन दिल्ली में रहते हैं। ये सवाल तो आप पर भी उठता है ना कि आप अपनी सरकार का सारा काम कर रहे हैं, जो हमारे पास काम है हम कर रहे हैं अपना काम। आप पिछले बार मंत्रियों, आप मुख्यमंत्री को आतंकवादी कह देते हैं, इसका क्या मतलब है? पकड़ी आतंकवादी है तो आप उठे, आप उठे बोल देते हैं, आपके एमपी चुने हुए आगे बोल देते हैं कि आतंकवादी है। जो स्वास्थ्य सेवा दे रहा है, जो स्कूल दे रहा है, जो महिलाओं को फ्री बस सर्विस दे रहा है, टैक्स पेयर आप मेरे जैसे पैसों का डेवलपमेंट के लिए यूज कर रहा है, वो आदमी आतंकवादी है। और बाकी सरकारें आप टैक्स कलेक्ट क्यों नहीं कर रहे थे? आप हमारे अकॉर्डिंग कोई काम नहीं होता। आपके एक शहर में रहने वालों को पता है नहीं, विज्ञापन के आम आदमी ने, आम आदमी ने दिल्ली सरकार को चुना है, फिर चुनेगी नहीं, नहीं गारंटी दे रहे हैं। युवराज हर सरकार को आम आदमी ही चुनती है, ठीक है? बिल्कुल ठीक बात। आपकी सरकार को अगर आम आदमी ने चुना है तो केंद्र की सरकार को भी आम आदमी ने चुना है, पुलिस काम क्यों नहीं कर रही है? टॉम, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोग एकदम आश्वस्त होकर कह रहे हैं कि 8 तारीख के बाद शाहीन बाग खाली हो जाएगा। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। अनुराग ठाकुर का आज भी बयान है, बिल्कुल एक सेकेंड, हमारा ये कहना है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इसका फंडिंग कौन कर रहा है, वहां का बिरयानी कहां से आ रहा है, ब्लैंकेट्स कहां से आ रहा है, 125 पीएफआई का जो फंडिंग हुआ कहां गया? तो आप अरेस्ट कीजिए ना, अरेस्ट कर रहे, इन्वेस्टिगेशन ईडी ने मांगा है, लोगों को अरेस्ट करने का प्रक्रिया चल रहा है। और इससे ये कोई डेमोक्रेसी है? ऐसा नहीं कि किसी को घर से उठाकर हम पकड़ ले। पीएफआई के मामले पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और जिस दिन ये सब डॉक्यूमेंट आएगा, 8 तारीख के बाद भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे, इंतजार करिए, अब देखते जाइए ये एनाकिस गवर्नमेंट कितना दिन चलेगा और कितना दिन दिल्ली का जो हालात होना है। वादा कर दीजिए हम कर लेंगे सब चीजें। चलिए दिल्ली पुलिस आपको क्यों दे? दिल्ली कानून एनाकिस सरकार को आप पुलिस दे तो आप सोचिए क्या हालात होगा। युवराज आप लोगों का कल घोषणा पत्र आया है, उसमें आपने 10 ऐसी चीजें लिखी है जो बिना केंद्र सरकार की सहमति के नहीं हो सकता। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कराएंगे, जन लोकपाल बिल, अब पिछले 5 साल भी जन लोकपाल बिल नहीं ला पाए, अभी फिर इस बार जन लोकपाल बिल डाला है, स्वराज बिल डाला है, यमुना रिवर फ्रंट का वादा किया है, तो वो तो आप पर भी आरोप है ना कि आप भी सब लास्ट में कर रहे हैं। ये जो डीटीसी में आपको अच्छे से पता है, जब मुख्यमंत्री ने धरना दिया, सारी कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार के सब लोग बैठे फास्टिंग की, तब जाके एलजी ने सीसीटीवी कैमरों की फाइलें और ये सब चीजें की। नहीं, वो उसके बाद बिना क्षण लगाए, बिना मिनट लगाए, जितना भी टाइम था, निर्भया सुविधाएं दी और आपको डायरेक्ट सरकार में आए। निर्भया केस का जेल मैनुअल ट्वीट किसने किया? ट्वीट किसने किया? और आज 2 साल से वो केस पेंडिंग है, और किसके कारण है? आज विशेष उसका जजमेंट। निर्भया मामले में देरी के लिए पूछिए, निर्भया मामले में देरी के लिए आप पर उंगली तो उठ रही है, उसके अभिभावक खुद सवाल उठा रहे हैं कि आप लोगों ने लेट किया। खैर, लेकिन हमारी चर्चा का विषय आज ये नहीं है। शाहीन बाग में पिछले 10 दिनों में फायरिंग की कुछ वारदातें हुई, उसको लेकर चूंकि जिस तरह के नाम और जिस तरह के नारे और जिस तरह की चीजें उठी थी, ये संकेत देने की कोशिश की गई कि इसके पीछे कहीं ना कहीं दक्षिणपंथी लोगों का हाथ है, ये संकेत देने की कोशिश की गई। लेकिन कल से जो जानकारी सामने आ रही है उसमें मतलब अभी तक की जांच में ये आप कनेक्शन निकल रहा है, जो कपिल गुर्जर हैं उनका आप कनेक्शन निकल रहा है। एक मिनट, तो क्या ऐसा लग रहा है कि आपका दांव उल्टा पड़ गया? आप ये सब बातें जो हैं, ये सब आप बहुत भली भांति जानते हैं कि किस तरह से चुनाव के टाइम में ये जो एक्टिविस्ट, मेरी बात सुनिए, आप उनकी एक फोटो आ गई, आज मैं आपके साथ, मैं सर के साथ बैठा हूँ, किसी के साथ बैठे तो क्या वो फोटो उसके लिए मापदंड हो जाता है? आपकी इंक्वायरी होगी, आपको लगता है कि इंक्वायरी होगी और ऐसी चीज निकलेगी और बीजेपी शांत बैठ जाएगी? नहीं नहीं, ऐसे क्रूशियल टाइम पे शांत बैठ जाएगी? युवराज फोटो, ये सब बातें एक बात है, मैं आपको दिखा देता हूं, पहले आप लोग मान नहीं रहे थे, ये फोटो होना आम बात है, ये मैंने आपकी साइट से ही प्रिंट निकाला है, आप लोग पर है, आपकी वेबसाइट पर ये प्रिंट है, ये देखिए साइट, ये 3 मई 1919 का प्रिंट है। पहले आप लोग मान नहीं रहे थे कि उसका आम आदमी पार्टी से संबंध है, फिर कल आपके जब दिल्ली पुलिस ने, ठीक है दिल्ली पुलिस ने भी जानकारी लीक की,
लीक कर की तो संजय सिंह ने कहा ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। किसी जांच कैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो सकता है, हम चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। फिर वो कहने लगे ये पॉलिटिकल स्टंट है। लेकिन ये तो आप मानेंगे ना कि 3 मई 1919 को ये इन लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, या अभी भी इसका खंडन करेंगे? अगर ये 3 मई 1919 तो नहीं हो सकता, आम आदमी थी नहीं, 2019 को अगर ऐसा कुछ होगा तो उसकी देखेंगे, जांच करेंगे। ऐसे तो रोज आज के टाइम में तो पूरी आधी से ज्यादा दिल्ली की बीजेपी भी हमें ज्वाइन कर चुकी है। कल को कोई एक्टिविस्ट होगा, कोई ज्वाइन, किसी ने ज्वाइन किया होगा तो पार्टी की मेंबरशिप होगी, कुछ होगा, ये सब आएगा, पता लगेगा। लेकिन आप इसके पीछे एक मंशा क्लियर लगा लीजिए, एक चीज क्लियर कर लीजिए कि जब सारा लॉ एंड ऑर्डर, दिल्ली पुलिस, सब होम मिनिस्ट्री के हाथ में, तो कोई भी चीज होती है, कोई गोली, आज आप और हम बैठ के यहाँ डिबेट करते हैं, कोई भी भगवान नगर ऐप ये घटना होती है, उसकी जिम्मेदार भी हमारी केंद्र सरकार है, क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हैं। अगर ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल सकते क्या पता? साइट पर रिकॉर्ड है कि साइट के रिकॉर्ड की जांच होगी, रिकॉर्ड तो मैं अभी साइट पर डालता हूं। लेकिन नहीं 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 हम भी डिजिटल ऑपरेशन चलाते, ऐसा कोई नहीं है कि अब आप ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मत डालिए कि बीजेपी ने आपकी साइट पर खबर प्लांट कर दी, कभी वो मेंबर बने हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन 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 ये बात भी सच है कि लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी से दिल्ली में नहीं संभल रहा है, बाकी स्टेट का तो मुझे पता नहीं, बाकी स्टेट के, क्योंकि सारी सरकारें बाकी स्टेट की दिल्ली में घूम रही है वोट मांगने के लिए। दिल्ली में क्या ऐसा कि ये जीएसटी पे, ये जीएसटी पे, जीएसटी पे, नोटबंदी पे और 370 पे आप वोट मांगे ना, जो जो इन्होंने काम किया दिल्ली में वोट मांगे। लेकिन नहीं नहीं, लेकिन क्या ऐसा इनको जरूरत पड़ेगी जो हमें कह रहे थे फ्री बांट रहे हैं, इनके मैनिफेस्टो को उठा के देख नहीं, लेकिन आप सब चूज फ्री कर दिए, क्या ऐसा, ऐसे क्या जरूरत पड़ गई? आप कह रहे हैं कि 370 पे वोट मांगिए, सुनिए सुनिए, जब ये मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं तो आप कह रहे हैं लोकल चेहरा दीजिए, ये तो आपका दोहरापन होगा ना। मोदी जी रिजाइन देके सीएम तो नहीं बनेंगे? नहीं नहीं ना, अगर मोदी जी रिजाइन देके सीएम बनेंगे तो आप भी वोट देना, हो सकता है और लोग भी दे दें, सीएम का चेहरा बता दें। नहीं तो ये तो सातों में, सातों आठों नौ जितने भी 10-11 एक का नाम तो बता दे, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा। नहीं नहीं, युवराज युवराज डिसीजन लेंगे युवराज, ये है कि दिल्ली की जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें बिना बात के आप रोड़ा अटका रहे हैं, आप कहीं फाइट में युवराज युवराज और आपको ये बात 11 तारीख को जिस दिन रिजल्ट आएंगे बहुत क्लियर हो जाएगी। तो युवराज, जब आप जीत को लेकर इतना आश्वस्त हैं तो क्यों आपको बीजेपी से मुख्यमंत्री का चेहरा चाहिए? आपके लिए तो अच्छा है ना कि केक वॉक है, वॉक ओवर दे दिया बीजेपी ने हमारे, आप सुनिए ना, हमारे सामने कोई लड़ रहा है और जिसमें देखिए दिल्ली की जनता से भारत के प्रधानमंत्री आकर कह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनको देश की सरकार चलाने दीजिए। ऐसे मुद्दे जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, जैसे अभी एक मुद्दे का नाम आप ले रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे मुद्दे जो गृह मंत्रालय सॉल्व नहीं हो रहे उनको सॉल्व करें, दिल्ली की जनता के लिए कोई अपना नुमाइंदा तो खड़ा करें, उसके बारे में तो बताएं। लेकिन ये तो संवैधानिक बाध्यता तो है नहीं कि हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म में चुनाव तो लड़ नहीं रहे कि आपको पहले मुख्यमंत्री का चेहरा देना पड़ेगा? नहीं, ये तो ये नैरेटिव तो आपको सूट कर रहा है ना, इसलिए आप नहीं, हमें सूट नहीं कर रहा, हम तो पूछ रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं, आप हम कह रहे हैं आम आदमी का नेता, दिल्ली का नेता अरविंद केजरीवाल है, ये बताने कौन है? नहीं नहीं, कल ये कह रहे हैं, हम इसे हमसे कुछ नहीं कह रहे, हम तो अपनी बात कर रहे हैं, हम तो अपनी बात कर रहे हैं, हम डेमोक्रेटिक सिस्टम से चुनेंगे, तुम्हारे जैसे तानाशाही नहीं है कि केजरीवाल के बाद और कोई नहीं। आप मुझे बताइए, नंबर टू, आप अपना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की बात करें, उनको मुख्यमंत्री का फेस क्यों नहीं बनाते? क्योंकि हमारे सिस्टम में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है और वही बेसिस पर हम इलेक्ट करते हैं, आपके लिए हम अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट आपको बताएं। इतने नंबर आएंगे तो डेमोक्रेटिक सिस्टम काम करेगा? इंतजार करिए ना भाई, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंतजार तो जनता कर रही है दिल्ली की दोबारा से। युवराज, लेकिन उनके नंबर नहीं आएंगे उसकी चिंता में आप क्यों दुबले होते जा रहे हैं? मैं तो दुबला नहीं हो रहा, मैं तो आश्वस्त हूँ, दिल्ली की जनता ने एक ईमानदार सरकार को 5 साल पहले भी चुना था और अब भी 8 तारीख को सुबह से लेकर शाम तक इतने बटन दब जाएंगे झाड़ू के, कमल नाम का कोई रहेगा नहीं। प्लस दूसरी बात, 11 तारीख को फिर से अपनी ईमानदार सरकार चुनी जाएगी जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल होंगे, आप जैसे हम जैसे आम आदमी होंगे, क्लीनर से साफ हो जाएगा। इंतजार करिए, 8 तारीख को जब बटन दबाया जाएगा, जब इनसे पूछेंगे हम कि कहां गए वो झाड़ू। टॉम, लेकिन ये इनका सवाल भी वाजिब है, आप हर जगह, आप भी लोकसभा चुनाव में सबको चुनौती दे रहे थे कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताइए कौन मोदी जी के सिस्टम का चला गया, कौन मोदी जी के खिलाफ होगा, तब आपको सूट कर रहा था दूसरों को चुनौती देना। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि ये गलत कह रहे हैं, हमने कहा कि हमारा सिस्टम है, जब लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर्स आएंगे
उनसे जो कंसल्टेशन प्रोसेस होता है उस कंसल्टेशन के बाद कंसल्टेशन प्रोसेस के बाद अपना तरीका है, अपने अपने तरीका। लेकिन पिछली बार किरण बेदी को आप लोगों ने दिया था ना उम्मीदवार, ने किया था, लेकिन अभी हमारा समस्या ये है कि इलेक्शन लड़े और इस झाड़ू को वैक्यूम क्लीनर से रिप्लेस। अभी आप मतलब अभी आपकी समस्या ये है कि आपके पास उम्मीदवार नहीं है। आम आदमी के घरों में है, वैक्यूम क्लीनर नहीं है। दिल्ली की जनता का या तो पता ही नहीं है, दिल्ली की जनसंख्या के बारे में पता होना चाहिए। वैक्यूम क्लीनर से ज्यादा झाड़ू दिल्ली के घरों में। मैं सफाई अभियान की बात कर रहा हूँ, सफाई अभियान के साथ भी सब है। और वैक्यूम क्लीनर नाम की कोई चीज तो आएगी ही नहीं, ये तो श्योर है, क्योंकि दिल्ली की जनता और दिल्ली की जो पूरा कच्ची कॉलोनियों से लेके गांव देहात छोटे फ्लैट्स में वो जो जनता है जिसको इस सरकार से फायदा हुआ, प्लस मोहल्ला क्लिनिक जो कि कई जगह पर इतना अच्छा काम कर रहे हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की तरह, जिसको ये लोग भी मानते हैं लेकिन कहेंगे नहीं, कहेंगे नहीं मिलते उधर, कहेंगे नहीं डॉक्टर्स नहीं है, तारीख दिया जाता है। आप अभी चलिए जहां पर नियर बाय मोहल्ला क्लिनिक, अभी मिलेंगे डॉक्टर। मैं बात कर रहा हूं, नहीं नहीं मुझे बार बार क्यों दिया जा रहा है कि रैप अप करिए। मैं आप दोनों से एक ही मुद्दे पर फाइनल कमेंट चाहूंगा, क्या ये बेहतर नहीं होता कि शाहीन बाग जैसे, मतलब जो शाहीन बाग का जो नैरेटिव दिल्ली चुनाव में इतना छाया हुआ है, उसकी बजाय डेवलपमेंट का मुद्दा होता, कामकाज का मुद्दा होता, और आप एक विकास की रूपरेखा या एक फ्यूचर फ्रेमवर्क रखते जनता के सामने। हम चाहते हैं हमने तो नहीं किया ये शाहीन बाग क्रिएशन, हमारा नहीं है। शाहीन बाग हटाइए, हम तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हर बार डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ये हेल्थ स्कीम्स जो है, सेंट्रल स्कीम्स है, इन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। सेंट्रल हेल्थ स्कीम, सेंट्रल हेल्थ स्कीम हमने दिया इनको, नहीं किया, हर स्टेट ने अडॉप्ट किया, नहीं ये नहीं मानते। उससे हजार गुना बेटर दिल्ली की हेल्थ स्कीम है। सेंट्रल हेल्थ स्कीम में आपके पास 10,000 रुपए, कोई भी 10,000 रुपए से ज्यादा कमाता दिल्ली के अंदर तो उसको उसका फायदा नहीं मिलेगा। आपके घर में फ्रिज है उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को प्रॉफिटिंग करने के लिए यहाँ पर फरिश्ते होगा, एक मोहल्ला क्लिनिक कॉन्स्पिरेसी है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को प्रमोट करने के लिए। ये ज्यादा बेनिफिशियल दिल्ली की जनता प्राइवेट हॉस्पिटल्स को स्कीम को ले, जिसमें आप 10,000 रुपए काम कर रहे हैं। और जहां तक बात है डेवलपमेंट की बात अरविंद केजरीवाल करते आए हैं, कर रहे हैं, एक एक आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। ये आप सबको ही पता है कौन इस मुद्दे को राजनीति के समय धर्म को लेकर आता है, कौन इस ऐसी बातों को करता है जिससे गुमराह करने के लिए जनता के बीच में आते हैं। लेकिन डेवलपमेंट अरविंद केजरीवाल ने की है और डेवलपमेंट का ही मुद्दा लेकर आए हैं सारी टाउन हॉल मीटिंग्स में, और सब जगह सिर्फ डेवलपमेंट की बात हुई है। और जनता डेवलपमेंट में इस बार भारी बहुमत से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी को चुन रही है। डेवलपमेंट 20 सेकंड में क्विक, डेवलपमेंट विज्ञापनों में है, ठीक है। प्रिंट मीडिया को, बाकी मीडियों को बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा है, वो ठीक है, अच्छा डेवलपमेंट है, लेकिन ये डेवलपमेंट नहीं है जो शहर, जो दिल्ली के सिटीजन चाहते हैं। ठीक है, साफ है दोनों पार्टियों के नेताओं के तर्कों से लग रहा है कि शाहीन बाग का मुद्दा कम से कम चुनाव तक तो सुलझता नहीं दिख रहा है। 8 तारीख को वोट डाले जाएंगे, उसके बाद हो सकता है कि शाहीन बाग का रास्ता साफ हो जाए, दिल्ली की आम जनता को राहत मिले। आप देखते रहिए दिल्ली दंगल। नमस्कार।